प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान प्राप्त करने हेतु स्मरण शक्ति का महत्व कौन नहीं जानता। यदि हमें अतीत में प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही स्मरण ना रहे तो हम नया ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट है कि स्मरण शक्ति उस बौद्धिक क्षमता को कहते हैं जिसके बल पर व्यक्ति अर्जित ज्ञान को तथा अनुभूत घटनाओं को याद रख सकता है। वैज्ञानिक भी स्मरण शक्ति की कार्य प्रणाली को समझ नहीं पाए हैं। मस्तिष्क घटनाओं के ज्ञान को मस्तिष्क घटनाओं के ज्ञान को किस प्रकार स्मृति में बैठाता है यह अभी तक एक रहस्य ही है। तथापि वैज्ञानिक यह बात निश्चय पूर्वक कह रहे हैं कि स्मृति में ज्ञान को संचित करने की क्रिया में अनिवार्य मस्तिष्क की नाड़ी कोशिकाओं का हाथ होता है। उनके अनुसार स्मरण शक्ति का संबंध मस्तिष्क के उस उच्च भाग से है जो भाषा ज्ञान प्राप्त करते हैं समय भाषा ज्ञान प्राप्त करते समय तथा जटिल समस्याओं से दो चार हाथे होते समय क्रियारत होता है। हाँ, तो इसमें क्या बताया है, स्मरण शक्ति क्या होता है, जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं है ना, व्यक्ति अर्जित ज्ञान का क्या मतलब है, जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं और जो हमारी घटनाएं होती हैं भूतकाल में, जो हमारी घटनाएं हो गई हैं उनको जो हम याद रखते हैं, उनको याद रखने की जो क्षमता होती है उसको हम बौद्धिक क्षमता कहते हैं, है ना। तो इसमें वैज्ञानिक भी अभी इस जो हमारी याद करने की क्षमता है बौद्धिक क्षमता, इसकी कार्य प्रणाली को समझ नहीं पाए हैं कि किस तरह से हम मस्तिष्क में इसको कैसे हम स्मृति में बैठाते हैं, है ना, इसका रहस्य अभी पता नहीं चला है। ठीक है, उसके बाद है स्मृति कोष के तीन कक्ष। इसके तीन कक्ष होते हैं और उनके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन से होते हैं स्नेहा। यस मैम, करो रीडिंग। यस मैम, रीडिंग करो। स्मृति कोष के तीन कक्ष। वैज्ञानिकों ने स्मृति को तीन भागों में विभाजित किया है। यह भेद तथ्यों और स्मरण रखने की समय विधि पर आधारित है। ये तीन भेद हैं। ज्ञानेन्द्रिय परक स्मरण शक्ति, लघुकालीन स्मरण शक्ति तथा दीर्घकालीन स्मरण शक्ति। इन तीनों प्रकार की स्मरण शक्तियों के लिए मस्तिष्क के स्मरण कोष्ठ में अलग अलग कक्ष बने हुए हैं जो यहाँ दी गई व्याख्या के अनुसार कार्य करते हैं। हाँ, तो हमारे स्मृति कोष्ठ में तीन कक्ष हैं और तीनों कक्ष जो होते हैं वो अपना किस तरह से कार्य करते हैं। ठीक है, मैम आगे पढ़े, स्वाति पढ़ेंगी। स्वाति। यस मैम, यहाँ से पढ़ो। स्मृति कोष्ठ के ज्ञानेन्द्र परक स्मृति कक्ष में केवल क्षण भर के लिए तथ्यों को याद रखने की क्षमता होती है। जब आगे एक पर्वत को देखते हैं तो आंखों द्वारा पर्वत के विषय में ग्रहण की गई सूचना स्मृति कोष्ठक के ज्ञानेन्द्रिय परक पक्ष तक आती है तथा क्षण भर में इसकी स्मृति फीकी पड़ जाती है। यदि सूचना को याद रखना हो तो इसे प्रयत्न करके लघुकालीन स्मृति कक्ष में भेजना पड़ता है, अन्यथा यह स्मृति से निकल जाती है। स्मृति कोष्ठ के लघुकालीन स्मृति कक्ष में इस भाग में पहुंचा हुआ ज्ञान उतने समय तक बना रहता है जितने समय तक उसका प्रयोग होता रहे।
मान लीजिए आपने फोन नंबर कहीं से नोट करते हैं, यह फोन नंबर आपकी स्मृति में कुछ समय तक बना रहेगा। यदि आप इस नंबर को बार बार डायल करेंगे तो यह दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में जाकर अंकित हो जाएगा, अन्यथा 20-25 सेकंड में यह नंबर आपकी स्मृति पटल में लुप्त हो जाएगा। स्मृति कोष दीर्घकालीन। ओके स्वाति, तो यहाँ पर हमने पढ़ा ज्ञानेन्द्रिय परक स्मृति कक्ष, इसका क्या काम होता है? इसमें जो हम पढ़ते हैं या जो भी हम ग्रहण करते हैं वो सिर्फ क्षण भर कुछ पलों के लिए रहता है ना। अगर हम उसको याद करना चाहें तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हमें किस में भेजना पड़ता है, कौन से कक्ष में भेजना पड़ता है? लघुकालीन कक्ष में, है ना। तो लघुकालीन कक्ष में क्या होता है, जो हम याद करते हैं वो कुछ मतलब हमारे जो स्मृति कक्ष है, जो हमारा मस्तिष्क है, उसमें कितने समय तक के लिए बना रहता है? कुछ समय तक के लिए बना रहता है ना। इसमें तो कुछ पलों के लिए रहेगा, मतलब कुछ जैसे अभी हमने याद किया जस्ट तुरंत के लिए, और लघुकालीन में जैसे थोड़े समय तक के लिए याद रहता है। जैसे कुछ बच्चे याद करते हैं जो कुछ समय बाद भूल जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको याद ही रहता है। तो मतलब अब तुम देख लो कि कुछ उसको लघुकालीन स्मृति कक्ष में रखते हैं और कुछ उसको दीर्घकालीन में ले जाते हैं। मतलब जिसको कुछ समय के लिए याद रहता है वो उसको मतलब जो सबसे जो आपका मस्तिष्क का भाग है उसमें नहीं लेके जाते हैं, तो वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो शालिनी पढ़ो, दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में क्या होता है? दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में ज्ञान का भंडार होता है, जिसका कुछ अंश तो जीवन भर की संपत्ति बन जाता है। इस ज्ञान के बने रहने के पीछे दो कारण है, इसकी बार बार आवृत्ति अथवा इसके साथ भावनात्मक अथवा इसके साथ भावनात्मक संबंध। उदाहरण स्वरूप, यदि व्यक्ति को अचानक मिलने से के पश्चात बार बार उसके उससे भेंट होती रहे तो उसकी स्मृति मस्तिष्क पहली नजर में अंकित हो जाती है। दूसरी अवस्था में किसी से पहली नजर में स्नेह हो जाने पर अथवा कोई दुर्घटना अचानक आंखों से देख लेने पर इसका ज्ञान भावनात्मक रूप से मस्तिष्क में अंकित होकर दीर्घकालीन स्मृति के कक्ष में सदा के लिए जा बैठता है। ओके, तो हम कुछ बातें भूल क्यों? एक मिनट, दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में क्या होता है, इसमें हमारा हम क्या करते हैं, ये क्या है? असीमित ज्ञान का भंडार है। जैसे ना कई बातें ऐसी होती हैं, कुछ हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है कि हम उसको मतलब हमारे लिए ना वो जीवन भर के लिए हमारे दिमाग में अंकित हो जाता है, छप जाता है, हम उसको कभी भी नहीं भूल पाते हैं। उसके पीछे क्या कारण होते हैं? या तो हम उसको बार बार रिपीट करते रहें, उसको बार बार मतलब दोहराते रहें, या उसके पीछे हमारा कुछ ऐसा भावनात्मक मतलब जो हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे हमारे साथ कभी कुछ अच्छा भी होता है, कभी कुछ गलत भी होता है, बुरा भी होता है, तो वो जो हमारे दिमाग में एकदम छप जाता है। ठीक है, तो जो बातें हमारे दिमाग में हमेशा रहती हैं वो कौन से कक्ष में होती हैं? दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में होती हैं। और जो कुछ समय के लिए होती हैं, मतलब थोड़ी देर तक के लिए होती हैं, वो किस में होती हैं? लघुकालीन में। और जो कुछ पलों के लिए होती हैं वो किस में होती हैं? ज्ञानेन्द्रिय परक, मतलब तुरंत के लिए, जस्ट के लिए जो होती है उसको हम कुछ ही पलों में भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह याद करने के तीन कक्ष बताए हैं। ठीक है, हम कुछ बातें भूल क्यों जाते हैं? राशि, राशि। यस मैम, पढ़िए। हम कुछ बातें भूल क्यों जाते हैं? क्रिया को स्मरण शक्ति की विपरीत क्रिया कहा जा सकता है। जिस प्रकार स्मृति समयावधि पर आधारित है, ठीक उसी प्रकार भूलने की क्रिया का भी समय से गहन संबंध है।
मान लीजिए आप एक प्रतिभोज में जाते हैं तथा अनेक लोगों को वहां देखते हैं, एक दो घंटे तक तो आपको याद रहेगा कि किन किन व्यक्तियों को आपने प्रतिभोज में देखा या पर था, परंतु दो चार दिन बाद आप केवल कुछ लोगों के नाम तथा चेहरे पुनः अपने स्मृति पर ला सकेंगे। भूलने की क्रिया का विश्लेषण भी वैज्ञानिकों द्वारा ठीक प्रकार से नहीं हो पाया है, तथापि उन्होंने कुछ तथ्य की खोज की है जो भूलने की क्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। ये तथ्य हैं हस्तक्षेप, पुनः स्मरण में अक्षमता, अभिप्रेरित विस्मृति तथा रचनात्मक प्रक्रम। हस्तक्षेप से भाव है कि पुराने स्मरण किए हुए तथ्य नए तथ्यों को स्मृति में बैठाने में के मार्ग में बाधा बन जाते हैं। यदि कोई मित्र आपको अपना नया फोन नंबर दे दे तो उसका पुराना फोन नंबर नए नंबर के स्मृति पट पर बैठने में बाधा डालता रहता है। यदि नहीं नए नंबर के स्मृत हो जाने पर पुराना नंबर धीरे धीरे स्मृति से निकल जाता है। पुनः छाया, यस मैम कर रहे हैं। मन शरीर को तनाना तथा पर्याप्त विश्राम स्मरण शक्ति बढ़ाने में अत्यंत लाभदायक सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त 15 मिनट का दैनिक प्राणायाम भी मस्तिष्क को चुस्त रखने में रामबाण का कार्य करता है। तनाव दमन हेतु उपाय आप इसी पुस्तक के एक पाठ में विस्तार पढ़ेंगे। उनको नियमित रूप के से अपनाकर तनाव को भगाया जा सकता है। अन्य स्मृति संबंधी व्यायाम, ये व्यायाम निम्न प्रकार है। एक, याद करने वाले तथ्य को गीत का रूप दे देना, जैसे 30 है दिन दिसंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, 30 है दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, शेष सभी हैं 31 फरवरी के, फरवरी के 28-29। हाँ, शब्द तो से पहले यहाँ पर आपने अभी पढ़ा है, दो दो जो पंक्तियां पढ़ी हैं ये किस बारे में दी गई हैं कि इसको अगर हम याद कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन से महीनों में 30 दिन होते हैं, कौन से महीनों में 31 दिन होते हैं और किस में 28 और 29 होते हैं। ठीक है, और अगला क्या दिया है पढ़िए। शब्दों के पढ़िए तानिया। शब्दों के पहले पहले अक्षर मिलाकर एक शब्द बना लेना, जैसे बोर्ड मास, भिन्नों, फ्रैक्शंस के प्रश्न हल करने की विधि याद रखने में मदद करता है। बिग्योर, इंद्रधनुष, हाँ ये क्या है, बिबजोर क्या है, इंद्रधनुष में जो हमारे 7 रंग होते हैं उनको नाम करने के लिए ये एक शब्द बनाया गया है, बिबजोर। ठीक है, इंद्रधनुष के रंगों के नामों को याद रखने में सहायता देता है। ओके, असीमित ज्ञान भंडार मस्तिष्क के कौन से स्मृति कक्ष में होता है? दीर्घकालीन,
कालीन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के पाठ में वर्णित मनोविज्ञान शास्त्री का क्या नाम था? गैरी स्मॉल। ठीक है, ओमेगा युक्त अम्ल किसमें पाया जाता है? ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है। और कुछ मछलियों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इंद्रधनुष के रंगों के नामों को याद रखने में कौन सा शब्द सहायक होता है? विब्ज्योर, बी आई बी जी वाई ओ आर। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा, एक चीज पूछना है मैम। ज्ञानेंद्रिय परक स्मृति कक्ष में संचित ज्ञान बना रहता है, कुछ समय के लिए बना रहता है, कुछ क्षणों के लिए बना रहता है, या लंबे समय के लिए होता है? कौन सा सही है इसमें मैम? कुछ क्षणों के लिए। कुछ क्षणों के लिए, वेरी गुड। स्मृति में संचित ज्ञान को भूलने का मुख्य कारण क्या होता है? अवहेलना करना, मंद बुद्धि या हस्तक्षेप? जो हमारे हस्तक्षेप। जैसे उदाहरण भी दिया गया था, जैसे आपको किसी का पुराना नंबर याद है और उसने आपको नया नंबर आपको दिया है, तो आपको नया नंबर याद करने में दिक्कत होगी क्योंकि आपको उसका पुराना नंबर याद है। फिर जब आप नया नंबर याद करने लग जाओगे तो आप पुराना भूलने लग जाओगे। अभिप्रेरित विस्मृति का अर्थ होता है जान बूझ कर भूलना, प्रेरित होकर भूलना, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका क्या है? जान बूझ कर भूलना, दोनों में। ठीक है, स्मृति बढ़ाने की विधि किस मनोवैज्ञानिक ने निकाली? गैरी स्मॉल। हाँ, गैरी स्मॉल। ओके, वेरी गुड। चलो उसके बाद आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। क्या वैज्ञानिक स्मरण शक्ति की क्रिया प्रणाली को समझ पाए हैं? नहीं मैम, नहीं। स्मृति में ज्ञान बैठाने में मस्तिष्क का कौन सा अंग कार्य करता है? नाड़ी कोशिकाएं। मस्तिष्क में स्मृति कोष्ठ के कितने कक्ष होते हैं? तीन। मैम तीन। क्षणिक स्मृति किस स्मृति कक्ष में होती है? क्षण भर के लिए जो होती है वो किस में होती है? ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय परक स्मृति कक्ष। उसके बाद भावनाओं से जुड़ा ज्ञान किस स्मृति कक्ष में संचित रहता है? दीर्घकालीन, जो हमारा लंबे समय तक के लिए मस्तिष्क में संचित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा एक बार ये नीचे वाला कर लीजिए। अचानक के दो पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तुरंत। हाँ, तुरंत भी हो सकता है। एकाएक, सहसा। ठीक है, दमन। दमन का क्या होता है? अन्याय, किसी के साथ अन्याय हो रहा होता है, दमन होता है। जुल्म, अत्याचार भी हो सकता है, वेरी गुड। क्षमता, पतन। पतन तो एक तरह से नष्ट हो जाना हो जाएगा। सामर्थ्य, क्षमता का क्या होता है? सामर्थ्य, शक्ति। व्यायाम, व्यायाम का होता है कसरत और परिश्रम। उसके बाद सेवन, सेवन करना
इस्तेमाल, प्रयोग, उपयोग, प्रयोग नहीं उपयोग, ठीक है, उपयोग। इस तरह से सभी बच्चे इसको अपनी पुस्तक में भरेंगे, ठीक है।